मेलघाट के आदिवासियों को बांटे गए कंबल में लाखों रुपयों का भ्रष्टाचार होने का आरोप शिवसेना विधायक अभिजीत अड़चुल ने किया है। गौरतलब है कि आदिवासी एकात्मिक विकास प्रकल्प के तहत मेलघाट के आदिवासी परिवारों को हाल ही में कंबल बांटे गए। ये कंबल पूरी तरह फटे होने की बात उजागर हुई है, जिसके बाद विधायक अड़चुल ने आदिवासियों से फटे कंबल इकट्ठा किए। मंगलवार को विधायक अड़चुल ने अमरावती के संभागीय आयुक्त को फटे कंबल भेंट स्वरूप दिए। अड़चुल के आक्रामक तेवर को देखते हुए आदिवासी विकास विभाग ने तुरंत इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दे दिया। विधायक अड़चुल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब को मिलने के लिए हम शिवसेना के सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे, और उसका मुख्य कारण ये था कि जो ब्लैंकेट्स बीच में आप सभी ने देखा, जिस पर मैंने खुद ने सभागृह में दो बार लक्ष्यवेधी लगाई थी, वो मुद्दा बहुत सभागृह में भी उठा था। करीब 100 या 125 रुपए की ब्लैंकेट की कीमत जो होनी चाहिए, बहुत ही खराब क्वालिटी का ब्लैंकेट, पर बिना कोई टेंडर के सरकार ने, खास करके आदिवासी विकास मंत्रालय ने, उसको 552 रुपीज़ में जिसकी खरीदी हुई, और 32 करोड़ का इस तरह से सामान लिया गया। और अब एक्चुअली ये पिछले साल ये निर्णय कैबिनेट ने लिया था, और वो बांटने की प्रक्रिया पिछले साल होनी थी, वो इस साल हो रही है, एक साल बाद हो रही है, और उसमें भी इस तरह से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।